चलेंगे माँ शक्ति लोग मंदिर चल कर, अरे हमको भी फिर चलिए छोड़िए चलिए। अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे मुकार रे चलो आके बना ले अब तो सुन ले अपना।
सरस्वती सावित्री मैया, सरस्वती सावित्री मैया, कोई न सहारा है मेरी मैया, कोई न सहारा है मेरी मैया, कोई न सहारा है मेरी मैया, आशा केवल तुम्हारी है। और देखिए कितना मुंह बड़ा मैटर हो, झगड़ा वाला तो गुरु ही सुनता है, ठीक है ना। कितना मुंह बड़ा आपत्ति विपत्ति हो तो कौन सुनता है? गुरु। आप लोग सोचा कि नहीं सोचा है, शिष्टाचार ने तो आए नहीं लाख तो मैं कर रहता हूँ। उसकी पत्नी कहीं घर में बैठे बैठे कब तक रहोगी, अरे जाओगे नहीं, कमाओगे नहीं, तब तो बेटी होगी, शादी करना होगा तो पैसा लगेगा, बच्चे बड़े होंगे पढ़ेंगे तो पैसा लगेगा, घर घर की कहानी है ना, कमाएंगे नहीं तो घर बैठने से काम चलेगा नहीं, तो बोले तो क्या करें, क्या जाओ ये कमाए, वो बेचारा चला गया दिल्ली, चाहे कहीं गया हो कमाने गया, कमाने गया दिल्ली, नौकरी नहीं लगे, नौकरी नहीं लगे। अब नौकरी नहीं लगे तो क्या करेंगे चाचा? एक दुकान पर गया, बड़ा अजीब था, उस दुकान में एक आदमी शीशा बेच रहा था, क्या बेच रहा था? और जब शीशा के आगे खड़ा हुआ तो उसका चेहरा उसमें आएगा ना, करे भाई साहब तू कहां से, तू कहां से, वो भी ऐसे हाथ उठाया बोला तू कहां से, कभी ये जो हाथ उठा रहे बड़ा विचित्र आदमी, तो अपना अपने कभी शीशा नहीं देखा था, उसके घर के लोग शीशा देखते थे, एक भी नहीं देखा था, वो शीशा में खड़ा हुआ घर भाई साहब, अरे वाह 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 वाह, हाथ मिलाओ, वो भी हाथ बढ़ा दे, बढ़ाया था हाथ बढ़ा दे, ये भी हाथ, कहो हो अब चलेंगे घर इसी को लेकर के चले, तो पैसा वाला तो कहा कि इतना तो नहीं, 10 रुपया का छोटा वाला ले, एक छोटा वाला शीशा ले, दिखाई देने का उसमें, और जब आ गया तो जहां सोता था अपने चारपाई के, ओ और तो मतलब चूंकि यहां से कांची राज्य पाल जुड़े हुए, अब उनके वजह से उनकी बोलने की बात आई तो अलग अलग हम सब बदल पाएगा, धन्यवाद देवी जी, बहुत अच्छा है, तो अब रात भर शीशे से बात करता, अरे भाई गजब है तो, कितना मेरा अच्छा साथ, पता नहीं की क्या है, जब से सर्विस करके आया है, कहां से आया है, तब से उनसे पता नहीं रहता है, रतिया भर बतियाता किसे, बड़ा विचित्र बात है, अब रोज कान लगाकर सुनती थी, जब तक उसको नींद नहीं आता था मैंने उसके फाटक के यहां कान लगा लेते थे और सुनती थी, अब दरवाजा टूटती थी तो भी इतना बात करता था, उसमें लीन होकर के केवल सुनाई नहीं देता, पत्नी भी हार जी हार जी जो आज कल परसों एक एक रात जब वो काम करने चला गया, खोजते 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 पा गई, जैसे देखी उसमें एक सुंदर दिखाई, कहीं बस 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 तुम इसी के चक्कर में, अब समझ गया लो मैं बदला लेती, ठीक है अब बचाए हंगा कुछ नहीं, तुम वहां से लाए क्या लाए हो, सुंदरी लाए, और सुंदरी इतना बड़ा विभक्त है रात में बाहर, जब जाकर देखी तो बुढ़िया का चेहरा है, तो बोला अबे हमारा बच्चा बिगड़े बुढ़िया से बिगड़ेगा, ये बुढ़िया की उम्र क्या है, कहीं बिगड़ रही है, बुढ़िया कैसी है, मेरी कैसी है,
तो बुढ़वा कहा था चुप, तुम भी चुप, वो भी चुप, हम जाकर देख रहे हैं। जब वो जाकर देखा तो उसका चेहरा कहे वो बुढ़ावा से तुम ये कर रही हो बताओ, तो बूढ़ा है 70-80 साल का बूढ़ा है। अब दोनों में बात इतना पड़ गई कि अब शीशा जब निकाला गया तो खींचा तानी, वो खींचे वो खींचे वो खींचे, खींचा तानी में शीशा फूट गया। शीशा फूट गया तो कोई सतगुरु घर से जा रहे थे, बोले अबे जो जो देखेगा उसका चेहरा दिखेगा, देख चारों ओर आकृति। जो जो देखे उसका चेहरा देखे। तो सतगुरु ने उस झगड़ा के माहौल को छुड़ाया कि देख जितने प्रकार के शीशे हैं आज जितना लोग देखेंगे उस तरह से देखेंगे। उसी तरह से दिव्य आत्माएं ये सतगुरु जो है अब वो हमारे जीवन में जब आ जाते हैं तो जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको हल कर लेते हैं। तो सतगुरु ने कहा कि काम करो, सदगुरु कहा कि ने कहा कि काम करिए कि चलिए सभी देवता लोग मिल करके विनती करें। आज जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़ी है तो माँ आदि शक्ति आकर के दुख को काटी है या राक्षस को, जो भी कहा दुख को काटी है राक्षस को। दिव्य आत्माएं कहा जाता है कि तप बल भी प्रसदा बरियारा बलवान होता है जो तपस्या के बल से। आप लोग भी बलवान होंगे तो अपने सत और तपस्या के कर्म से बलवान होंगे, केवल ऊंची ऊंची बात करने से बलवान नहीं। वही गुरु जी ने बताया कि अच्छा एक काम कर, माँ को बुलाओ, वही रास्ता निकालेंगे। अब की पहले माँ आकर के विनाश की थी राक्षसों का। यहाँ पर हम रुकेंगे, आपको यह समझाने के लिए कि बताइए कि माँ शक्ति मनुष्य पर विपत्ति पड़ने मंत्र का जाप करती है, ठीक है कि नहीं? भाग्य की बात होती है तो भाग्य विधाता का नमन करता है, लक्ष्मी की जरूरत होती है तो लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं, बुद्धि की जरूरत होती है तो सरस्वती का पूजा करते हैं,